हे गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज एक नए ब्लॉग में, तो अभी मैं सुबह का जो है ब्रेकफास्ट कर लिया हूँ और अभी आया हूँ। जो हमारे पीछे मैंने आपको दिखा था पहले ब्लॉग में कि हमारे पीछे लहसुन, हमने लहसुन लगा रखा है, तो उसमें थोड़ा घास हो गया था, तो घास हमने निकाल दिया। अब इसमें करेंगे गुड़ाई, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। हे गाइस, तो देख सकते हो ये खुरपी है, इससे हम लहसुन के दोनों साइड हम ऐसे हल्का, ताकि लहसुन की जो जड़ें हैं वो ज़्यादा ना कटे और लहसुन थोड़ा बड़ा हो। और कहा जाता है कि लहसुन की जितनी निराई गुड़ाई ज़्यादा करो उतना ज़्यादा अच्छा होता है लहसुन, तो इस वजह से लहसुन को थोड़ा निराई गुड़ाई ज़्यादा होना चाहिए लहसुन में। तो इस तरीके से पूरा हम खोदेंगे। कुछ के बाल बड़े हो गए तो इसको भी कटा के लाते हैं सैलून से। ये कुछ को सैलून में ले गए थे और कपड़े कुछ को लगाया जा रहा ताकि बाल ज़्यादा ना गिरे कपड़ों पे कुछ के। तो बाल ज़्यादा गिरने से अब कपड़े गंदे हो जाते हैं, जैसे कपड़े से ढका जाता है पहले, तो वही ढका जा रहा है। फिर मशीन से पहले साइड में कट किया गया, एकदम छोटे छोटे करने को मैंने कहा था, तो साइड से पहले कट किया जा रहा मशीन से। फिर देख सकते हो पीछे भी कट किया गया है, ये भी मशीन लगाया जा रहा। और बाल कटाते वक्त कुछ ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा था, आमतौर पर छोटे बच्चे बाल कटाते वक्त बहुत ही परेशान करते हैं, रोते हैं, लेकिन कुछ चुपचाप बैठा था, पता नहीं शायद उसको डर लग रहा होगा, इस वजह से चुपचाप बैठा हुआ था पूरे लगभग पूरे टाइम बाल कटाते हुए, इतना ज़्यादा हिल भी नहीं रहा था। जो बाल काटने वाले भैया थे वो इनको आराम से काट रहे थे, इस वजह से ज़्यादा नहीं हिल रहा था, चुपचाप बैठा हुआ था। ये बहुत अच्छा रहा कि चुपचाप बैठा हुआ था। ये देखो कुछ बाल कटाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ चारों तरफ से मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हो कुछ अधिक देख तो कुछ कुछ अधिक देख। हे गाइस, तो अभी मैं खेल रहा हूँ बैडमिंटन रोज की तरह, जैसे आपको पता ही है लगभग मैं रोज ही रात को बैडमिंटन खेलता हूँ, तो अभी आया हूँ खेलने वही ग्राउंड में अपने घर के सामने। हे गाइस, तो बैडमिंटन खेल के आने के बाद मैंने खाना खाया रात का, थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद खाना खाया और अभी मैं आया हूँ सोने। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा तो आपको अच्छा लगा तो, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल पर नया आया हो तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।